सब एक ही फैमिली के हैं। पहले मेरे को लगा आया आया करो पहले मेरे को टाटा भाई पहले मेरे को लगा कि एक ही माँ बाप के हैं, फिर लोग बताया कि नहीं अलग 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 माँ बाप के हैं इतने सारे। मैच कर रहा है सब पूरा इसका, हाँ इसका शर्ट ना पूरा मैच कर रहा है। अभी बज रहा है 4 और हम लोग माता का दर्शन भगवान का नाम लेके चढ़े ही थे ऊपर कि मनोज को बहुत जोर से भूख लग गया। युवा समिति अफरीद अफरीद चापा के पास पड़ता है गांव अफरीद। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 अक्टूबर 2023 और हम लोग जा रहे हैं मनोज मैं और पीयूष परेट और संदीप। संदीप जो है कलतरा से आ रहा है और हम लोग जो है निकलने में लेट हो गए। हम लोग करीबन 10 बजे ही करीब घर से निकले थे और मेरे गाड़ी का मीटर था उस टाइम 44.18 मीटर। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जब मैं बाद में देखूँगा अपने घर से कितना किलोमीटर पड़ता है तो उस टाइम कैलकुलेट करते बने अकॉर्डिंग टू मैप क्या है 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। और हम लोग डिसाइड किए थे कि जो अपना घर के पास खोटरी रास्ता है वहाँ से होके जाएंगे, बट फिर हम लोग डिसाइड किए कि हाई कैनीबेरी वाला रोड है जो सरमंगला मंदिर के बगल से रोड जो कि जाता है सीधा आपका मड़वा रानी और मड़वा रानी जो हाईवे बन रहा है तो हम लोग सोचे कि डायरेक्ट इसी में चलते हैं। और अभी जो गाड़ी का मीटर दिखा रहा है वो है 44:33 और मनोज और पीयूष भी साथ में जा रहे हैं तो अब हम लोग चलते हैं। और रास्ते में कुछ कुछ आएगा दिखाने लग रहा है दिखाऊंगा। हम लोग तो डायरेक्ट मड़वा रानी मैच कर रहा है उसमें पूरा ग्रीन इसका, हाँ इसका शर्ट ना पूरा मैच कर रहा है गाड़ी। तो मनोज अभी पीयूष के साथ बैठ गया है मेट्रो 350 में और मैं हूँ अभी बुलेट 350 में। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। अभी अपने को 1 घंटा हो गया है घर से निकले हुए और हम लोग हैं अभी उरगाव रोड में, इधर सीधा जाएगा मड़वा रानी रास्ता। तो अभी जो यहाँ का हाईवे काम चल रहा है इसी कारण ना रोड बहुत ही डैमेज कंडीशन में है। ये मंदिर जाने का एंट्रेंस है, यहाँ से जाना है अपने अंदर प्रवेश द्वार माँ मड़वा रानी मंदिर। और यहाँ पर अभी जाम लगा हुआ है क्योंकि रोड में भी अंदर का है। तो फाइनली पहुँच गए मड़वा रानी मंदिर में और ये अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उधर सब धूप में गाड़ी खड़ा किए हैं और हम लोग लाके गाड़ी को यहाँ पर छांव में खड़ा कर दिए हैं। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि गाड़ी अष्टमी का दिन है, आज बहुत भीड़ रहता है और बहुत लोग क्या है मान्यता वाला बकरा वकरा लेके आते हैं, बकरा कटिंग करते हैं और उसी को बना के पिकनिक से खाते भी हैं। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और एक्चुअल में जब पंचमी रहता है नॉर्मल पंचमी डे रहता है तो यहाँ पर जो है पहला दिन मनाया जाता है। तो आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में नवरात्रि ख़त्म हो गया है बट मड़वा रानी मंदिर में ना आज अष्टमी का दिन है। तो अष्टमी के दिन माना जाता है कि साक्षात देवी माँ दर्शन देती हैं, इसलिए हम लोग प्लान हुआ कि चलते हैं आज मड़वा रानी मंदिर माँ के दर्शन करके आते हैं। पीयूष जो है आगे निकल गया है मेरे को गाइड करते हुए यहाँ तक ले आया था। वो देखो पीछे में अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर दिख रहा है और यहाँ पर मेन पार्किंग एरिया है। तो हम लोग क्या किए ना यहाँ भी पैसा काट ही रहे हैं और पीछे भी काट रहे हैं। तो यहाँ पर धूप में गाड़ी खड़ा करने के चक्कर में छांव में गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। और संदीप भैया यहाँ पे कहाँ बाइक खड़ा करें, कंफ्यूज करते यार आप। छांव में अभी हम लोग मिल गए साथ में, अब यहाँ से पैदल चलेंगे दर्शन करेंगे माता के और बहुत भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। चले हेलमेट रखना है क्या? रखना है हेलमेट, जहाँ से लेंगे नारियल वही रख देते हैं यार। यही कहीं को बेचने लग रहा है हेलमेट को रखवा दीजिए। नारियल 20 वाले दिया, यहाँ ही 50 से 20 वाला है क्या? 50 और 20 वाला हाँ
चुनरी नारियल 20 वाले में, 20 वाले में ना, तो 20 वाला दे दो, 30 वाले में, और 20 वाले में 20 और 50 वाला है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 20 वाले ले लेंगे ना। 20 अभी लोग चार ठो नारियल ले रहे हैं 20-20 रुपये वाला जो पड़ता है नारियल बत्ती, क्योंकि ऊपर में इतना भीड़ रहता है ना कि हम लोग चुनरी उनको चढ़ा नहीं पाएंगे माता को, तो सिर्फ नारियल चढ़ा के आ जाएंगे। पुलिस लोग लगे हैं ट्रैफिक क्लियर कराने में। भगवान का नाम लेके चढ़े ही थे ऊपर कि मनोज को बहुत जोर से भूख लग गया, तो हम लोग रुक गए यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए। बढ़िया गरम गरम समोसा बन रहा है, दर्शन से पहले नाश्ता रहते भाजी वहाँ के बता रहे सतरंगा में जाओगे तो कुछ बचेगा मसाला, जो सबको बैठे नहीं तो यू लोग आए हर पार्टी में बैठे। कौन कुत्ता लोग, गांव के लोकल लोग ना बैठे रहते हैं। लोकल लोग का नहीं पता भाई, कुत्ता को देखो मैं पिकनिक मनाने जाता हूँ, कुत्ता लोग बैठे रहते हैं। बड़ा नहीं क्या, एक सिंगल दे देना, बड़ा भी लाते हैं। आओ ले यार, इसको मैं ना 4 दिन तक रखा था अपने पास में, पर कोई काम का नहीं, क्योंकि सारा आईडी खोल, आईडी नहीं बता रहा था इसका, पासवर्ड नहीं बता रहा था आईडी इसका, आपको दिया था नहीं। और थोड़ा व्लॉग भी बनाया बट मैं नहीं यार रहने दे। 13 है ना, 13 128 GB लगा ले पीयूष। तो अभी हम लोग चढ़ाई चढ़ना चालू कर दिए नाश्ता करने के बाद में। कितना पीस खाया, 5 पीस समोसा खाया है भाई, मैं 2, बाकी सब 2-2 खाए हैं। तो भूख लगा था ना मेरे को, भूख लगा था, नाश्ता में खाया है खीर इसलिए भूख लगा था ना। हाँ चढ़ना स्टार्ट किए हैं तो पीछे लोग आ रहे हैं। उतरा थे वो कहा कर बे, परेशान है सब, सब सुबह सुबह चढ़ा कर रहे हैं, सवेरे ही ट्रैक्टर चढ़ गया था लग रहा है, अभी उतर रहे हैं। जय माता दी, थोड़ा सा हाँ गुड गुड गुड, जय माता दी भाई, जय माता दी, जय माता दी। पसीना में ऐसा छोड़ेगा वो नहीं है, टीका इसलिए नहीं लगवा रहे हैं, पूरा पसीने के मारे ना टीका बह जाएगा, इसलिए भी टीका नहीं लगवा रहे हम लोग। तो ये मेरा 3rd time है मैं माड़ोरानी पहाड़ चढ़ रहा हूँ जो, और इससे पहले मम्मी पापा लोग जो है बताते हैं मेरे को कि जब मैं छोटा था ना तो ये रोड जो है नॉर्मल रोड नहीं है, मतलब अभी नॉर्मल रोड है, पहले क्या था ना बड़ा बड़ा बोल्डर था, तो उन लोग बताते हैं कि अपने पास में एक मार्शल गाड़ी था, तो मार्शल गाड़ी को वो बोल्डर से चढ़ाते हुए मतलब चढ़ गया था, और उसके बाद फिर स्कॉर्पियो में आया, उसके बाद लास्ट 2 साल पहले मम्मी पापा के साथ आया था, अभी 3rd time मैंने मनोज पीयूष संदीप के साथ आया हूँ, अब बड़ा हो गया तो अकेला आ रहा हूँ। मम्मी पापा नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ। रास्ते में एक मंदिर आया तो रुक के हम लोग दर्शन कर रहे हैं अभी हनुमान जी का। जय श्री राम, टाइम लगेगा अभी, चलो यहाँ पर लोग गुदना बुलवा रहे हैं हाथ में, अपने अपने माँ बाप का नाम लिखवा रहे हैं, मैं भी लिखवाऊंगा ऐसे बोल, अपने अपने माँ बाप का नाम लिखवाते हुए मेला लगा हुआ है ऊपर में जोरदार। इधर एक तो बीबी वाला लड़का है, बीबी जा कर रहे बेचारा, मोबाइल कवर देखो यहाँ भी बिकने लगा मोबाइल कवर, मड़वा रानी के ऊपर में लोग यहाँ भी खड़े होकर रील्स बना सकते हैं। सुनना कोई बंदर को ना, हेलो गाइस, बेंद्रा बोलते हैं ना, बंदर को बोलते हैं बेंद्रा, हाँ जो भी है पर बेंद्रा बोलने बहुत हंसी आता है। बंदर बंदर गाड़ी चला रहे हैं, अरे बाप मौत को, आधे लोग ऐसे भाग जा रहे हैं, पहले ही यार मार दे रहा है लग रहा है वो। तो आधा घंटा ट्रैक करने के बाद मड़वा रानी पहाड़, अभी हम लोग
रुके हैं एक ठेले पे, यहाँ पर दुर्गा माता का सब रिबन उमन लगा के रखे हैं, गुटखा पानी अपने स्वाद अनुसार सब गुटखा पानी जो लेते हैं लेते हैं स्वाद अनुसार। और पीयूष पीयूष अभी हम लोगों को खिलाएगा चना, स्वाद अनुसार चना बना दो भैया, मोर। अरे तो यहाँ पीछे में है जनता सेवा, जनता सेवा चल रहा है, पानी लोग पिला रहे हैं, कई लोग ऊपर करके पी रहे हैं, कई लोग उसको मुँह लगा पी ले रहे हैं, तो मुँह लगाए पी रहे हैं। तो भाई मैं नहीं पीऊँगा यहाँ पानी, बॉटल का पानी खरीद के पी लूँगा भले, पर ये पानी नहीं पीऊँगा। 10 प्रकार की बीमारी साला, 16 सोचना चाहिए लोग, नहीं खाऊँगा। ले संदीप ले मनोज, झालमुड़ी खा। क्या हो गया आपको? झालमुड़ी कैंसर कर दी क्या? झालमुड़ी मेरा कैंसर है भाई, मैं नहीं खाता झालमुड़ी। चलना भाई थक गया हूँ, बोल रहा था बैठ जाओ आप कम से कम आगे में। चलो यहाँ से थोड़ा दूर और बचा है बड़वा रानी मंदिर, और यहाँ पर खिला रहे हैं प्याऊ में पानी, और यहाँ पर खिला रहे हैं गुपचुप। तो गुपचुप को पैसे पैसा देकर खाने वाला है, फ्री नहीं है ये भी ये फ्री के चक्कर में रुक गया था, तो पता चला कि यहाँ पर पैसे में खिला रहे हैं। क्या हुआ, नहीं खाना है क्या? वहाँ खिला रहे हैं फ्री में पूरी आगे में, अभी चालू कहाँ होगा थोड़ा देर में और। आगे वहाँ पूरी मिलते खट्टा मिठाई बोल रहे हैं। अच्छा इसी तो खट्टा मीठा नाम सुन लिया ना, इसीलिए लो लो खाओ। आपको वीडियो आना, आप पहले खाओ। देखो भाई अपने को यहाँ पर रास्ते में मिल गए हैं बजरंगबली, मस्त पेड़ बैठे हुए हैं। ए आराम से आराम से आराम से आराम से देख के भागे, वीडियो बना रहा है वीडियो बना रहा है। हाँ यहाँ बैठा सब छीनना नहीं। अरे यहाँ पर है भाई मोबाइल लिखने, पाले जी बिस्किट खा रहे बैठ के लोग। एक तो देना का, एक तो बिस्कुट देना का, एक तो देना का, नहीं देगा नहीं दे। चल ठीक है खा ले भाई, खा ले अकेला खा ले। इतना धूप है, हालत खराब हो गया, चढ़ते चढ़ते इन दोनों का ना मेरा नहीं। अभी यहाँ पर निःशुल्क सेवा, जय माता, एक और दे दो भैया, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, निःशुल्क सेवा चल रहा है यहाँ पे पानी का। अफरीद गांव युवा समिति, अफरीद अफरीद ये चांपा के पास पड़ता है गांव, अफरीद उसी गांव के लड़के लोग हैं। हम लोग मड़ोरा नहीं चढ़ रहे थे और अपने यहाँ सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, तो अभी हम लोग यहाँ पर सेल्फी और फोटो तो खिंचवा रहे हैं भाई लोग साथ में। ये भाई मनोज फोटो ले। हाँ आइए आइए जूस पीजिए। तो अभी जस्ट अब फोटो तो खिंचा के अब यहाँ जा रहे हैं मंदिर चढ़। कितना दूर है भाई मंदिर? एक किलोमीटर ना। चलो ठीक है, गुड़ाव रुक के अभी हम लोग संतरा जूस पी रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, संतरा सोडा कुछ है। जय माता दी, जय माता दी, जाने वाले आने वाले, आने वाले जय माता दी, जाने वाले जय माता दी। ना भाई जूस वाले भैया, जय माता दी, जय माता दी। हाँ चलो भैया धन्यवाद, यूट्यूब में देख लेना बिस्किट। तो जो श्री राम भगवान जो अपने वनवास टाइम में कंदमूल खाए थे, अभी हम लोग वो यही वाला कंदमूल, यही वाला ना भैया? कहाँ से लाए हो? ये नासिक में होता, बम्बई से चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत से वहाँ तो नहीं गए थे राम भगवान? अयोध्या पैदा हुई चित्रकूट पर्वत में गए, उसके लक्ष्मण ने कहा नासिक पंचवटी में। हाँ हाँ नासिक पंचवटी यहाँ लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा खींची। हाँ वो तो बस उगलवाना चाह रहा था आपके मुँह से ना वीडियो के लिए। और पूरा कितना पड़ेगा? तो श्री कंदमूल श्री रामचंद्र जी वनवास के समय इस कंदमूल को खाए थे, खाने से ठंडा मीठा एवं पेट के रोग के लिए लाभकारी है। कीमत 10 रुपया। चित्रकूट पर्वत में गए उसके लक्ष्मण ने कहा नासिक पंचवटी में, नासिक पंचवटी यहाँ लक्ष्मण ने और पूरा कितना पड़ेगा? तो श्री कंदमूल श्री राम
जिंदगी में। देखो भाई यही है, यही है वो कंदमूल जो राम भगवान खाए थे, और हम लोग खा के देखते कैसा। अच्छा यार, इसलिए रावण कुमार के पास रख दो। अच्छा मीठा है ना, बहुत मीठा। बढ़िया है। बहुत पतला पतला दिया 10 रुपए का, बीस का दिया क्या? ठगा गए पर अच्छा लगा। तो बस 5 मिनट की दूरी और है, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे भगवानी मंदिर। वो और सब एक ही फैमिली के हैं। पहले मेरे को हाय हाय करो, पहले मेरे को टाटा भाई, पहले मेरे को लगा कि एक ही माँ बाप के हैं, फिर लोग बताए कि नहीं हम लोग अलग अलग माँ बाप के हैं इतने सारे। बाकी कपड़ा ये लोग हमेशा एक ही पहनते हैं, हमेशा कहीं आना जाना होता है एक ही पहन के निकलते हैं। चलो ठीक है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बहन लोग सब। अरे मैं नीचे में ठीक हूँ क्या? आएगा खड़े हूँ, खड़े हूँ क्या? मैंने फोटो ली। हाँ नीचे आएगा, नीचे देखो सब सेम टू सेम। अभी की जो आयोजन जिसको अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। हम लोग मिले हैं बाबू बेबी ग्रुप से, ऐसा बाबू बेबी ग्रुप वाली है, एक ही ग्रुप की है। संध्या यादव, बीच भैरव बाबा भी आ गए, बीच भैरव बाबा भी आ गए। अपना नाम नेहा यादव, नेहा यादव भारती यादव ना, सब इंस्टाग्राम वाले, सब इंस्टाग्राम वाले। अच्छा ये सब इंस्टाग्राम का नाम बताए हो अपना, ओरिजिनल नाम नहीं है? ओरिजिनल वही है। सबके सब मेरे भी राजी वाले जगह बोल रहे, जगह है बस जगह। हाँ तो अब हम लोग ऊपर पहुँच गए, पर इतना ज़्यादा भीड़ है कि ऊपर चढ़ते नहीं वरना बाबू बहुत भीड़ है। तो अभी हम लोग जस्ट एक ग्रुप से मिले हैं जो कि एक ही कलर का कपड़ा पहन के बैठे हुए थे, तो अपने को लगा कि किसी महाविद्यालय या किसी तरह से हैं। तो बट हुआ क्या, उन लोग निकले सब एक ही ग्रुप, एक ही परिवार के सब फैमिली निकले। तो सबके साथ अभी हम लोग फोटो वोटो खिंचवा के चैनल सब्सक्राइब करा के, और उन लोग क्या बोले कि हम लोग को इंस्टाग्राम फॉलो बैक कर देना, तो हम लोग उन लोग को फॉलो बैक करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पर लग रहा है भंडारा चल रहा है, नहीं यार होटल है, भंडारा नहीं है, भीड़ इतना है कि लग रहा है भंडारा हो रहा है। नहीं करे बस। तो भाई क्या भीड़ लगा, सॉरी क्या भीड़ लगा है मड़वा रानी में, इतना ज़्यादा भीड़, पूरा मेला लगा हुआ रोड में। उधर हम लोग जाना है, कितना का? 80 रुपये का, 80 रुपये का मोरपंख बेच रहे हैं। तो यहाँ पे रुक के अभी हम लोग हाथ तो धो लिए हैं, और अब जा रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, देख सकते हो कितना भीड़ है लोगों का। अष्टमी का दिन है, पहाड़ पे, और यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है, सूर्य भगवान है तो भी पूरा ऐसा लग रहा है कि ना ये डस्ट है, पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि सिगड़ी का धुआं जल रहा है टाइप का। क्या भीड़ है भाई यहाँ पे, लोग अपने आप सरक रहे हैं भीड़ में, ढकलते ढकलते जा रहे हैं। सौ रुपये घड़ी
चलो चलो, 100 रुपये में घड़ी, 100 रुपये में घड़ी, 100 रुपये में घड़ी, 100 रुपये में घड़ी। धुआंधार ब्लॉगिंग करते हुए मनोज सिंह जगत धुआंधार बीच में अचानक से अपना मोबाइल निकाल के ब्लॉगिंग चालू कर देते हैं। कुसमुंदा किसान बाबा, और कितना दूर है, और कितना दूर है, बने दूर है, पूरा लोगों के पैर के पूरा डस्ट उड़ रहा है। हाँ बुला बुला देगा यहाँ पर लाइन लगा हुआ बहुत जोरदार, और यहाँ पर अपन जोरदार ब्लॉगिंग करते हुए वो लाइन है क्या, मैं आगे चले जाता हूँ, वो लाइन है, दोनों लाइन एक ही लगा है क्या? नहीं नहीं, ये वाला अपना ब्लॉगिंग करते करते आगे निकल जाते हैं ऊपर। ये लाइन लगा है यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। अच्छा, एक गमछा लेके आया हूँ, अष्टमी का दिन है इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना पीछे तक लाइन लगे रहेगा, जो यहाँ से अभी बहुत दूर है मंदिर, सब लाइन में लगे हैं। तो अपने दो आदमी जो गए हैं अभी सामने देखने गए कि वहाँ पर क्या बोलते हैं कितना भीड़ है, अगर वहाँ साइड से जाने लायक रास्ता होगा तो हम साइड से जाएंगे, नहीं तो फिर इसी लाइन में जाएंगे आगे आगे। यहाँ पर एक बिल्ली सो रही है मस्त। पीयूष बरेट अपने लिए लेके आया है भजिया, और यहाँ पर लोग फिल्टर ट्राई कर रहे हैं, इधर पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। यहाँ लिखा है जय माँ मधुरानी, पर हमारे यहाँ सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। आगे स्वागत है, डंडा से भी हो सकता है, लोग पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं डंडा मारने के लिए जो निकल नहीं रहे जल्दी। श्रद्धालुओं पे डंडा चलाते हुए लंबा लाइन लगा हुआ है, बीच बनाए बीच बनाए बीच बनाए लाइव से इतना ज्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। छुरी ले भुला गए, छुरी ले लेगी तो मैं खा से देखे आ तो देखे मोला कही और जाजी है पहली ना छुरी अति कर मांगे मोला कही तो फेंके वही कर। तो ये पेड़ में आगे बैठ गए का, नीचे तो ये ऊपर में कलमी पेड़ का बारे तो जागे नहीं से तो ठाई ठाई में जवाब जान गए अपन मन के। हाँ ठाई ठाई में जवाब, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया दादी क्या समझाई। हाय फ्रेंड, भैया 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 आप करो। हाय मैं कथा सुन कहाँ हो गया आंटी? त्रिशूल है कामा ये पेड़ में तरीमा। अच्छा चलो देखते हैं, वही लोग फेंके हैं। अच्छा आप मांगना मंती मानता वाले हो?
तो बकरा कहाँ है आप लोग का? बकरा नहीं, बस मैं ऐसी मानता हूँ। हाँ। तो बकरा वगैरह काटते कई लोग बकरा खाऊंगा करके आया हुआ सारा बकरा रास्ते पर खोजते खोजते आया। बकरा कहाँ है? बकरा कहाँ है? हम लोग खा के इसको बता दो कहाँ पे आएगा। हम लोग खा के जाएंगे फिर बता दीजिए। आंटी के साथ चलना है वापस। उन्नीस दस से लेकर 27-10-2000 मेरा कल आखिरी है। शारदीय त्यौहार नवरात्रि वहाँ पर मनोकामना ज्योति प्लस सब यहाँ पर बैठे कमेटी वाले व्यवस्था देख रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर में जो ज्योति कलश जलाए हुए हैं, ऊपर भी ज्योति कलश देखने के लिए। ऊपर में भी मड़वा रानी सेवा समिति देवी मंदिर ज्योति कलश भवन। बढ़िया दिख रहा ना सीन। कनकी वो दे तो बांगो है। कनकी तो ये प्रिंसिपल पड़ता है। कनकी वाला कनकी इधर ना वो जोन, यही जोन पड़ता है वो बिलासपुर वाला पहाड़ दिख रहा है, रतनपुर वाला। अभी सैमसंग 32-33 क्या है ना संदीप पीछे मारेंगे। अभी यहाँ से चढ़ हाँ आप दिख रहा है मंदिर। ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा भीड़ है बोल रहा हूँ कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं मेरे को। हम लोग यहाँ पर माता के दर्शन करके फिर कलश ज्योति का दर्शन करने आ रहे हैं। ऊपर में बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। नीचे तो और चलने फिरने के लिए जगह नहीं है। ये अभी और मंदिर यहाँ पर अंदर कंस्ट्रक्शन में है, यही बन जाएगा। तो ऊपर में हनुमान माता दुर्गा का ध्वजा है। पूरा यहीं पर लाके फोड़ते हैं। नहीं देखो भैया प्रसाद नाजिया डाल अंदर में। हाँ भैया जय माता। तो एमन ना जो ड्रोन कैमरा होते हैं वो बोला एमन कहते हैं हेलीकॉप्टर। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। इतने लड़के लोग नारियल फोड़ने में लगे हुए हैं तो लोग भी चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। पूरा लोग ना जो है अपने माता के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। साइड वाला एरिया है और यहाँ पर तुरंत लैपटॉप में धुलाई उलाई करके लोग फोटो खिंचाने के बाद में सबको फ़ोटो को देते हैं। अभी इधर अंदर
फोटो खींच गया इंटरव्यू ले ले। इस एरिया में माता का एक तो बढ़िया बैनर लगवा दिए हैं और यहाँ पर भैया लोग जो है फ़ोटो क्लिक करवाने करते हैं लोगों का और फोटो को तुरंत प्रिंट आउट करके देते हैं, उसका लेते हैं चार्ज 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, बढ़िया लोगों का फ़ोटो खींच देते हैं। जो मैं हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ ये सब नहीं था उससे पहले से लोग जो है यहाँ पर बकरा बंधा है। ये बलि का बकरा है क्या? वही बलि का बकरा बोलते ना, बलि का बकरा है। अभी इसका कटेगा ये? अभी नहीं। ओहो, यहीं पर बलि का बकरा कटता है सब। चलो भैया बाहर चलो, उधर चलो। तो किसी का मानता का बकरा है बेचारा बंधा हुआ, अभी थोड़ी देर बाद उसको काट दिया जाएगा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हो? उधर गुफा देखने जा रहे, गुफा देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग गुफा देखने जा रहे हैं, मेरे को पता नहीं भाई जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं, चल देते हैं। अभी बज रहा है 4 और हम लोग माता का दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं, तो अब नीचे देखते हैं कि हम लोग कितना टाइम लगता है नीचे उतरने में। जब चढ़ा था बहुत डस्ट है, तो मैं चढ़ रहा था तो टाइम नहीं देख रहा कितने बजे चढ़ रहे हैं, पर अब उतरते टाइम टाइम देख रहा हूँ 4 बज रहा है अभी और ये बहुत भीड़, अभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने। अभी भी लोग आ रहे हैं जोर जोर से स्पीड से। तो अभी टाइम हो गया 5 बज रहा है और मतलब भाई अभी 5 बज रहा है और हम लोग नीचे उतर गए मड़ोरानी के पहाड़ से नीचे। लगभग हम लोग को 1 घंटा लगा है नीचे उतरने में, बीच बीच में 1-2 मिनट में हम लोग ब्रेक लिए थे। जान भाई उतरते ही हनुमान जी का मंदिर है, देखो स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, जाते जाते भी दिखा रहा हूँ मंदिर। जय हनुमान जी। अच्छे से गए हम लोग दर्शन करके आ गए, अभी भी कुछ लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। पुलिस सहायता केंद्र मड़वा रानी पीछे में है और अभी हम लोग पुलिस वालों के चेयर में ही बैठ के आराम कर रहे हैं और वीडियो को एंड करते हैं। होप यू ऑल लाइक द ब्लॉग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बड़े से ब्लॉग में। तब तक बाय टाटा, टेक केयर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, गुड नाइट। नंबर अभी नंबर खोज रहे हैं हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए, अभी यहाँ पर हो रहा है फोटो ट्रांसफर। उसमें जो खोलेगा